सोमवार को परमेश्वरी गार्डन में श्री महाकाल प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के गठन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर एसोसिएशन द्वारा कार्य समिति का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पिछले 3 वर्षों में अच्छे कार्य किए जाने को लेकर पुनः पुरानी कार्यकारिणी को आगे भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछली कार्यकारिणी द्वारा कोरोना काल एवं अन्य सामाजिक दायित्व का बखूबी निर्वहन करने के लिए समिति सदस्यों द्वारा उनको साधुवाद प्रेषित किया गया, साथ ही आगे भी निरंतर यही कार्य समिति कार्य करेगी इसका निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान आगे और अच्छे ढंग से किए जाने वाले कार्यों में कैसे सुधार किया जाए इसके सुझाव भी कार्य समिति सदस्यों से मांगे गए। देखिए, विगत 3 सालों से जो एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष और बाकी सभी सदस्यों का जो एसोसिएशन को सहयोग मिला है, उस सहयोग से ही एसोसिएशन ने बहुत सारे कोरोना काल में और बाकी अलग अलग सामाजिक और उसमें काम किया था। इसी कारण से वापस से सदस्यों का सर्वमान्य निर्णय यही रहा है कि इस समिति को वापस से रिपीट करके किया जाए और एसोसिएशन के कार्य उसी हिसाब से और अच्छे ढंग से कार्य हो सके, उसके लिए सबसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं कि और इसको इस अच्छे ढंग से अपन इस काम को कर सकते हैं। आज श्री महाकाल प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन की समिति को 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में दोबारा से नई कार्य समिति के गठन के लिए बैठक रखी गई थी, जिसमें कि नई कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया भी थी और साथ में सहभोज भी था। इस कारण से आज सभी ब्रोकर बंधु यहाँ उपस्थित हुए थे परमेश्वरी गार्डन उज्जैन में, और सभी ने मिलजुल कर जो पुरानी समिति थी उसी को आगे 3 साल के अगले 3 वर्ष के लिए और अध्यक्ष महोदय और सचिव को जो है जिम्मेदारी सौंपी है, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जो जवाबदारी हम लोगों के ऊपर सौंपी गई है उसको हम निर्बाध गति से और अच्छे तरीके से निभाएंगे, और जिससे कि श्री महाकाल प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन का और विकास होगा और साथ ही नए आम को छुएंगे।